हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। एचडीएफसी बैंक को आज के दिन हमने ट्वीट किया था, ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड कुछ एक रेंजेस थी। लाइक अभी लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम चलेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखना, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे जहाँ पर हमने लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को मार्क करते हुए यहाँ पर अपनी एंट्री ली थी। सो एक एक्टिविटी हो जाने के बाद में सेकेंड एक्टिविटी का पूरा बिकॉज निफ्टी एक साइडवेज रेंज में थी, निफ्टी ने हाइज ब्रेक किए, उस हाइस के ब्रेकआउट के बाद में एचडीएफसी बैंक के अंदर के मूव्स हमको मिले थे। वापस देखिए, जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो एक फॉर्मेशन हमने आपको बताई थी मास्किंग के मेथड के थ्रू हमने कैसे ट्रेड किया था। एक देखिए ब्लैक वाली कैंडल अपनी, ये इसका हाई एंड इसका लो, ये एक मास्किंग फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। आज मार्केट की जो ओपनिंग थी अपनी इस रेंज के अप साइड में थी, जैसे कि देखिए यहाँ से प्राइस मेरा एक मदर कैंडल के बाद में एक बेबी के बाद में एक मास्किंग कैंडल, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से मास्क किया, प्राइस अपसाइड डाउनसाइड सपोर्ट और यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ चला गया। चार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे तो देखिए आज जो अपसाइड के मूवमेंट हुए एचडीएफसी बैंक के, एग्जैक्ट उसी रेंज से प्राइस मेरा सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ गया। ट्रेड बुक अपनी ओपन करते हैं और आगे चल करके इस चार्ट में एक एक कैंडल एक एक पॉइंट को रीड करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर लॉग इन करते हैं, प्री लॉग इन है एंड परफेक्ट। सो पोजिशन ऑर्डर बुक ओपन करते हैं, ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं टोटल 850 क्वांटिटीज़ के साथ आज हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड 1489.50 पर ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। रिफ्रेश कर रहे थे पेज को एक बार, परफेक्ट। जो स्टॉप लॉस लगे थे हमारे इसके अंदर 1486.25 के स्टॉप लॉसेस थे एंड प्रॉफिट्स जो बुक किए थे 1501.20 के मेरे, जितने प्रॉफिट्स थे सारे बुक कर लिए। सो पोजिशन बुक ओपन करते हैं, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,860 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किए, जबकि कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स हम बुक कर सकते थे बट हमारे प्रॉफिट्स हमको वहाँ पर मिले नहीं जो हमारा एक्चुअल टारगेट था, तो हमें रिवाइज टारगेट देखने को मिला। कोई बात नहीं, 9,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट था और ये मेरा मंथ का सबसे फर्स्ट टारगेट था, सबसे फर्स्ट ट्रेड था जो कि एक पॉजिटिव था। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड परफेक्ट। अभी चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर एंड चार्ट्स पर वन बाय वन टिक बाय टिक एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे एंड मास्किंग का जो हमने आपको मेथड समझाया था, ट्रेड करने का जो तरीका बताया था, उसको यहाँ पर ट्रेड्स के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सिर्फ एचडीएफसी बैंक को ही नहीं, किसी भी स्टॉक जब हमें ट्रेड करना होगा तो कुछ हम स्टेप्स फॉलो करते हैं जिसके थ्रू ही हमें काम करना है आगे की तरफ। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग्स को रीड करना है और लोअर टाइम फ्रेम की मार्किंग्स को रीड करना है, दोनों को कोरिलेट करेंगे आपस में और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब हायर टाइम फ्रेम पर हमें रीड करना होगा तो एक इंपॉर्टेंट कैंडल फाइंड करनी होगी, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेगमेंट हो, किसी भी तरह के स्क्रिप्ट में आप काम करो, एक कैंडल हमें रीड करनी होगी, उसको सिलेक्ट करना होगा और वहाँ से प्राइस को पकड़ना होगा, वहीं से हमें रीडिंग स्टार्ट करनी अपनी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हम रीड करना शुरू कर दें। देखिए दो तरह से हमने एचडीएफसी बैंक को एनालाइज किया था। एक पॉइंट आपको मालूम होगा, गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन ये जो दो कैंडल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे पूरा एक ये वाली कैंडल हो गई मेरी, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई और अगेन नेक्स्ट जो मार्केट ओपन हुई वो यहाँ पर ओपन हो गई, तो ये जो गैप अप और गैप डाउन हुआ ना, ये दोनों कैंडल्स मेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हाइज और लोज। अब जैसे गैप अप हो गया, ये तो गैप डाउन था, गैप अप में क्या होगा कि प्राइस ने इस एक रेंज पर अपनी क्लोजिंग दी और अगेन यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर भी चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे जिस कैंडल ने मेरा गैप अप किया है वो ये वाली कैंडल है, तो इसका हाई और इसका लो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हमने क्या किया था, ये जो गैप अप हुई है अपनी, इस कैंडल का हाई हमने कैलकुलेट किया, उसके अपने अलग रीजंस हैं, हाईस और लोस दोनों इंपॉर्टेंट है ना, हमने हाईस को कैलकुलेट किया और हाईस के पास से ही हमने कोशिश की कि हमको वो स्टॉक मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हमने आप सभी लोगों के साथ रिवील किया था, मास्किंग। मास्किंग को किस तरह से हमने एचडीएफसी बैंक में उसकी हेल्प ली थी और मास्किंग के थ्रू किस तरह से हमने सपोर्ट्स फाइंड किए थे, मास्किंग स्ट्रेटजी के ऊपर भी हमने पूरा वीडियो बनाया, उसको देखना। और अगर वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखोगे ना तो बहुत क्लियर होगा। इस वीडियो में भी हम कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे बट उतना डीपली नहीं बता सकते बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो अगर डीपली देखना तो आप वाला वीडियो देख सकते हो। तो इन दो सिस्टम के थ्रू हमने एचडीएफसी बैंक को ट्रीट किया था, गैप अप गैप डाउन और मास्किंग को, गैप अप और गैप डाउन और मास्किंग, इन दो चीज़ों को चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये जो मार्किंग्स हैं इन सबको तो पहले हम डिलीट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए जो गैप अप कैंडल की थी वो ये वाली कैंडल थी, यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का जो हाई मार्क कर रखा है हमने उसी कैंडल का हाई मार्क किया हुआ है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये जो गैप अप हुआ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी होगी मेरी, ये हमने इसका हाई मार्क कर लिया और इसके बाद से आप प्राइस को रीड करो मार्केट क्या कर रही है। इसके ऊपर मेरा प्राइस गया है अपसाइड की तरफ जाने के बाद, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग और प्राइस मेरा वापस नीचे गिर गया और तब से प्राइस मेरा नीचे ही है यहाँ पर देखिए, और अगेन हाइज लगने लग गए
और वापस से प्राइस मेरा उसी रेंज में आ गया। इतनी चीज़ क्लियर। जिस रेंज से मेरा प्राइस गिरा था लास्ट टाइम, अगेन मेरा प्राइस उस रेंज के ऊपर, यानी कि 17th की रेंज 1489.80, इस रेंज पर ही आकर के ये ट्रेवल कर रहा है। HDFC बैंक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान वॉल्यूम्स के हुए थे ब्रेकआउट, और HDFC बैंक को ट्रेड करने के पीछे का रीजन भी मेरा ये था क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे, इसलिए हमने इस HDFC बैंक को सिलेक्ट करके रखा हुआ था अपने पास। अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इसने। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हुआ ना कि हायर टाइम फ्रेम पर मेरी ये कैंडल हो गई इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम, 1 आवर, बिकॉज मास्किंग अगर हमें ढूंढनी तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही जाएंगे। यहाँ पर 13th ऑफ मार्च की कैंडल का हाई अप मार्क कर लो और लो मार्क कर लो। प्राइस ने देखिए किस तरह से मास्क किया है। एक हमारी बड़ी सी कैंडल है मदर कैंडल, मदर कैंडल के बाद में बेबी कैंडल, जिसने मदर कैंडल की फॉर्मेशन कर दी, और अगेन ये मास्किंग हो गई हमारी। मास्क किया किस को है, अपनी लास्ट फॉर्मेशन को, मतलब कि ये जो पूरी फॉर्मेशन है अपनी, इसने मास्किंग फॉर्मेशन क्रिएट कर दी। क्लियर। अब यहाँ से प्राइस के अंदर ये हो गए ब्रेकआउट हमारे, और ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट्स प्राइस ने कहाँ परफॉर्म किए या सपोर्ट्स कौन से बन रहे हैं, हमारी इस कैंडल के हाईज ही सपोर्ट बन रहे हैं 1471.75। प्राइस नीचे की दिशा में आता है और यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाता है। थोड़ा सा हम अगर चार्ट को जूम आउट करेंगे तो आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो उठ करके अपसाइड की तरफ गई है वो 1471 से गई है। मास्किंग क्लियर कि यहाँ से प्राइस ने जो सपोर्ट्स लिए हैं, ओपनिंग भी अपसाइड की तरफ, सपोर्ट्स लेने प्राइस नीचे की तरफ आई और यहीं से अपसाइड की तरफ चली गई 5 मिनट्स के टाइम। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। हमने दो टाइम फ्रेम्स देखे, एक डेली टाइम फ्रेम, एक 1 आवर टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर गैप अप के साथ में हमारे लिए जो रेंज इंपॉर्टेंट थी वो 1489.80 की हो गई, और मास्किंग को लेकर के 1471.75। ये दोनों रेंज इंपॉर्टेंट होगी ना, एक एक पॉइंट है जो हम क्लियर कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है उसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है कि जो आप लोगों को समझाने के लिए हम लगाते हैं, ताकि कल को जब आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करो और रीड करने जाओ तो अच्छी तरह से प्राइस को आप रीड कर पाओ। वापस देखिए दो टाइम फ्रेम्स को क्लियर करने के बाद में अब आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरे लिए ये देखिए 1471, ये मास्किंग का हमारा सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पर ओपनिंग सपोर्ट लिया, वापस प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ। ऊपर जो हमारा प्राइस रुका है जा करके वो 1489.80 पर रुका, और यहाँ पर लास्ट कैंडल कौन सी थी जिसने अपसाइड की तरफ अपनी क्लोजिंग दी है, वो है 955 की कैंडल। अब अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हमें 955 की कैंडल की रेंज के अंदर ही अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, मतलब 950 की रेंज के ऊपर अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो ये अनसेफ जोन हो जाएगा। जैसे जो स्टॉप लॉस लगाने का एरिया हमको दिखा था, जो हमने फाइंड किया था, वो 1486 ही है। यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए थे और इस रेंज पर अपनी एंट्रीज हो गई थी, है ना। यहाँ पर भी जो हमने अपनी एंट्री की थी 1489.60, 20 पैसे थोड़ा सा स्लो। यहाँ से देखिए जब प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर गया था तो लग रहा था कि जैसे हमने थोड़े दिन पहले अपना स्टॉप लॉस दिया था वैसे यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहा, बट किस्मत अच्छी थी कि स्टॉप लॉस मेरा बचा यहाँ पर। और जब दोबारा वापस प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ गया तो फिर उसने पलट के नहीं देखा नीचे, फिर वो ऊपर ही निकलता चला गया। इस स्टॉक को हमने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था कि जब हमने यहाँ पर उसके अंदर अपनी एंट्रीज वगैरह ली थी, और यहाँ पर जो टारगेट्स हमने लगाए थे 1505 रुपये के मेरे टारगेट लेवल थे, बट यहाँ पर हमने टारगेट्स बुक कर नहीं पाए थे बिकॉज जिस स्पीड में प्राइस ने यहाँ पर देखिए आकर के अपने स्विंग्स ब्रेक करने लगा था ना, यहाँ पर अप साइड की तरफ गिरती हुई मार्केट के ही अंदर हमने जो अपने प्रॉफिट्स बुक किए थे 1500 रुपये के लेवल पर ही अपने टारगेट्स जितने भी थे सारे के सारे बुक कर लिए थे। तो 1501 रुपये या 1501.20 रुपये ये रेंज हमको मिली थी जहाँ पर जितने भी टारगेट्स थे हमने सारे बुक कर लिए, और बुक करने के बाद में अगेन प्राइस अप साइड की तरफ चला गया, तो 5 रुपये का हमारा ओवरऑल लॉस हुआ था। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वापस आते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या किया, HDFC को ट्रेड करने से पहले इसकी रेंजेस डिफाइन की। डेली टाइम फ्रेम पर हमने इसके अंदर आपको बताया कि ये वाली कैंडल मेरी इंपॉर्टेंट थी। देखिए रेंजेस लाइंस कुछ ज़्यादा हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज सारी लाइंस आपके सामने ही हमने ड्रॉ की। लीजिए हम फिर से इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से मार्केट लिए गैप अप किया ना मार्केट ने, मेरे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से प्राइस को रीड करिए, ऐसा नहीं कि मार्क कर लिया तो ये मार्किंग हमारी परमानेंट होगी, नहीं, हमें यहाँ से रीड करना है यहाँ से मार्केट की एक्टिविटी क्या हो रही है। प्राइस ने देखिए क्लोजिंग दी, गैप अप, और गैप अप के साथ में प्राइस बना नीचे गिर गया। अगर इसने गैप अप दिया तो अगर ये स्ट्रांग है तो ऊपर निकल जाए, ये वापस देखिए मेरी रेंज के अंदर आ गया और इसने 1489.80 को ब्रेक कर दिया डाउन साइड की तरफ, है ना, यहाँ से ब्रेक कर दिया और अगेन प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गया, और वापस से प्राइस मेरा 1899.80 पर ही है। और ये किस लाइन से आया है, मेरा मास्किंग से, मास्किंग फॉर्मेशंस के थ्रू सपोर्ट लिए है, मास्किंग पर ही वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट किए, अगेन प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ चला गया।
अपसाइड की तरफ गया है, यानी कि 1489.80 पर ही चला गया, और यहाँ पर इस रेंज से इसने सपोर्ट लिया था यहाँ से। फिर से लोअर टाइम फ्रेम पर हम आ जाए, यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस बना नेक्स्ट रेंज, ये रेंज अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की रेंज, और अप में जा करके जितने भी टारगेट्स वगैरह थे हमारे 1501 पॉइंट कुछ के टारगेट्स थे, और या फिर 1505 के, वहाँ पर अपने टारगेट्स को किया। तो ओवरऑल HDFC बैंक को ट्रीट करने के पीछे का लॉजिक और इसकी जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस थे वो ये थे। मास्किंग का काफ़ी ज़्यादा HDFC बैंक को जब हम ट्रेड करने गए तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इसने रिस्पेक्ट किया उस लेवल को, वहीं से प्राइस बना अपसाइड की तरफ निकल गया। तो जब भी आप ट्रेड करो ना, एक आपके पास सिस्टम होना चाहिए फॉलो करने के लिए, आपके पास एक मेथड होना चाहिए फॉलो करने के लिए। 8000 9000 जितने का भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी दो दिन पहले मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर स्टॉप लॉस लग गया मेरा 2800 या 2700 के लगभग का मेरा स्टॉप लॉस किया था। स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब चलते रहेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपके पास अपना एक फिक्स सिस्टम हो, आपके पास अपना एक फिक्स स्ट्रेटजी हो जिसके ऊपर आप काम करो, इसको डेवलप कर सको अगली की तरफ। थैंक यू, आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, और जिस स्ट्रेटजी को हमने आपके साथ डिस्कस किया था उस स्ट्रेटजी के ऊपर जो ट्रेड करके दिखाया है इसको भी आपको रिलेट कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस एंड वी विल मीट अगेन।